साथियों, नेक नियत और कांग्रेस का वही रिश्ता है जो उजाले और अंधेरे का होता है। मुझे बताइए, जो सरकार पीने के पानी का पैसा तक खा जाए उसकी नीयत कैसी होगी? 6 दशक तक कांग्रेस को देश में सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन 2014 तक भारत के गांवों में 100 में से, आप चौंक जाएंगे सुनकर के, 2014 तक 100 घर में से 13 या 14 घरों में ही नल से जल जाता था। आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, आज हर 100 घर में से 70 परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचता है, 7-0। हरियाणा जैसे अनेक राज्यों में तो 100% घरों तक पानी पहुंच गया है, लेकिन राजस्थान में भरसक प्रयास के बावजूद करीब करीब 50% आबादी ही कवर हो पाई है। इसका कारण यहां की कांग्रेस सरकार के रोड़े अटकाने के तरीके हैं। दिल्ली में मैंने यहां की बहनों को नल से जल देने के लिए जो पैसा भेजा, वो भ्रष्ट कांग्रेसियों ने अपनी तिजोरी में भर दिया। और आजकल तो आप अखबार भरे रहते हैं, चुनाव में कभी कभी लोग ज्योतिषी लोग मैदान में आ जाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं आपका लक जोरदार है, चुनाव जीत जाओगे, आपके स्टार बहुत अच्छे, लक बहुत अच्छा, ऐसा कहते हैं ना। कांग्रेस वाले आजकल ज्योतिषी जब कहता है ना कि तुम्हारा लक अच्छा है, तो वो कहता है अरे लक की बात छोड़ो, लॉकर तो नहीं खुलेगा ना, ये जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकरों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, सोने की ईंटें निकल रही है, ईंटें, ये सोना कहां से आया है भाई? ये आलू में से निकला है क्या? ये आपके पैसों की चोरी करके उन्होंने सोना जमा किया है, ये नोटें जमा की है, ये बेईमानी की कमाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद इन सब का हिसाब चुकता किया जाएगा। जिन्होंने राजस्थान को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और मेरी माताओं बहनों, मैंने गारंटी दी है हर घर से घर तक नल से जल, कांग्रेस ने रोक के रखा है, मोदी की गारंटी है हर घर नल से जल होके रहेगा। राजस्थान में अटकी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, गरीब परिवार दिहाड़ीदार मजदूर के लिए राशन की चिंता करनी पड़ी, ये बहुत बड़ी चिंता होती है, ये मैं भलीभांति समझता हूं, इसलिए मैंने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, मुफ्त राशन की ये योजना, ये दिसंबर में पूरी होने वाली थी, लेकिन ये आपका बेटा आपकी चिंता करता है। और मोदी ने संकल्प लिया है कि गरीब को मुफ्त राशन की योजना को मैं 5 साल और बढ़ा दूंगा।